ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हैदराबाद में हुआ एक और निर्भया कांड। पंचर टायर बदलने के बहाने रेप। कब जागेगा सिस्टम, कब मिलेगा न्याय। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। पिछले दो दिन से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई घटना ने जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, एक महिला डॉक्टर की चार हैवानों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देश में उठ रहा है सवाल, आखिर कब देश की बेटियों को मिलेगी इंसाफ और कब हैदराबाद के चारों आरोपियों को मिलेगी सजा, कब देश की बेटियों को होगी, कब देश की बेटियां होंगी सुरक्षित। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरकर महिला सुरक्षा पर सवाल पूछ रहे हैं। जांच में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को ट्रक ड्राइवर और उनके साथियों ने अगवा किया था महिला डॉक्टर को और आरोपियों ने उसे सुनसान जगह ले गए और उसे शराब पिलाई गई और गैंगरेप को अंजाम दिया। एक आरोपी ने नाक और मुंह दबाकर पीड़ित की जान ले ली और फिर पेट्रोल डालकर उसका शव जला दिया गया। और यही वजह है कि आज पूरा देश की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, सवाल पूछ रही है, आखिर कब मिलेगी बेटियों को सुरक्षा। और ये तस्वीर है उन हैवानों की जिसने महिला डॉक्टर की अगवा की और उसके साथ गैंगरेप कर मौत के घाट उतार दिया, महिला डॉक्टर की शव को जला दिया ताकि कोई सुराख ना मिले, लेकिन सब कुछ सामने आ गया। करें तो इनमें से कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, तो कोई 22 साल का है। सकल चाहे आपको भोला लगता हो मगर इन हैवानों ने सारी हदें पार कर दी है। सांसद में जया बच्चन ने तो सांसद में कहा गैंगरेप के आरोपियों को जनता के हवाले कर दिया जाना चाहिए, यही मांग आम जनता भी कर रही है। लेकिन अब देखना होगा चार हैवानों को कानून कब सजा देती है, उस महिला डॉक्टर को इंसाफ कब मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।